दोस्तों आज हम फिक्स करने वाले हैं अपने GTA 5 गेम के एरर्स को, जो कि अपनी गेम में कोई मोड या बहुत सारी कार्स को इंस्टॉल करने के बाद आते हैं एंड अपनी गेम क्रैश हो जाती है। लेकिन ट्रस्ट मी, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा 3 ऐसे मोड्स जो कि बिल्कुल कम साइज के हैं एंड इनको एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपकी गेम में एंड मेरी गेम में कोई भी क्रैश नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। फिर भले ही आप कितना भी हैवी मोड या बहुत सारी कार्स इंस्टॉल कर लो अपने GTA 5 में, यकीन करो कोई एरर नहीं आएगा। इस बात का प्रूफ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो मेरी गेम प्ले का, जिसमें मैंने 10 कार्स और भी बहुत सारे ग्राफिक मोड्स इंस्टॉल कर रखे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी गेम बिल्कुल स्मूथ चल रही है एंड कोई भी एरर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये 3 मोड्स इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर आपको भी इंस्टॉल करने हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन मोड्स को डाउनलोड कर लो, देन इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने 3 मोड्स को वेनरार सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में चले जाएंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट मोड हीप एडजस्टर वाला ओपन करके यहाँ से इन दो फाइल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अभी हम यहाँ पर हीप एडजस्टर .ini वाली फाइल पर राइट क्लिक करके इसको सिंपली एडिट करेंगे। उसके बाद 750 को यहाँ से कट करके यहाँ पर 2000 लिख लेंगे। 2000 लिख कर सिंपली इसको सेव करके इसको भी कट कर देंगे। नाउ हमने अपना सेकेंड मोड ओपन करना है एंड यहाँ से भी इन दो फाइल्स को सिंपली सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है GTA के मेन डायरेक्टरी में। अभी यहाँ पर GTA5.exe वाले फाइल पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको प्रोडक्ट वर्जन दिख रहा होगा, ये वर्जन हमने याद कर लेना है। ये बेसिकली गेम का वर्जन है, अपना जो थर्ड मोड है वो इस गेम के वर्जन के हिसाब से ही इंस्टॉल होगा। हम ओपन आई वी को ओपन करके एडिट मोड को इनेबल कर लेंगे। उसके बाद अपडेट में जाएंगे, अपडेट .rpf एंड यहाँ पर कॉपी टू मोड्स फोल्डर कर देंगे। अगर आपके पास हो सकता है मोड्स फोल्डर हो तो आपके पास शो इन मोड्स फोल्डर का ऑप्शन आएगा, कोई बात नहीं सेम है। अभी हमने थर्ड मोड ओपन कर लिया है एंड सेकेंड फोल्डर में जाकर मोर मोड्स में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर मीन्स GTA के बेस में जाएंगे, कॉमन में जाएंगे, डेटा में एंड यहाँ पर आकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। लेकिन हाँ, आप ऐसा मत करना, अगर आपके GTA 5 लेटेस्ट वेरिएंट है तो आप ऐसा कर सकते हो, ये फाइल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर मेरी तरह GTA 5 अपडेटेड नहीं है ओल्ड वेरिएंट से, तो हम ओल्ड वेरिएंट्स में जाएंगे। उसके बाद जो भी गेम का वेरिएंट है उसके फोल्डर में चले जाना है। जैसे मेरा है 1.0.1180.2, तो मैं इस फोल्डर में जाऊँगा, मीन्स GTA 5 बेस वाले में जाएंगे एंड यहाँ से जो कॉन्फिग है ना, गेम कॉन्फिग XML वाला, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सिंपली इसको कट कर देंगे। अभी गेम कॉन्फिग वाले फाइल पर राइट क्लिक करके इसको भी एडिट करेंगे। अभी हमें सर्च में जाना है एंड सर्च में जाने के बाद यहाँ पर लिख लेना है क्लॉथ। क्लॉथ लिखकर पोल साइज में 60 को सिंपली 600 कर देंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। उसके बाद आराम से सेव करके इसको कट कर देंगे। बस अपने 3 मोड्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी आप जितने चाहो उतने मोड्स अपने GTA 5 में इंस्टॉल कर सकते हो। आज के बाद आपकी गेम कभी क्रैश नहीं होगी, कोई भी एरर नहीं आएगा। बाकी अगर ये पाकिस्तानी 10 कार्स इंस्टॉल करनी है तो इस वीडियो में आ जाओ, वहीं मिलेंगे।